हमारे आई से वो डिस्टेंस जिससे जो इमेज हमारी एग्जैक्टली रेटिना पे बने जो हमारा नियर पॉइंट होता है वो मतलब कि नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए होता है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो हमें यहां पे बनाना है तो मतलब कि अब आगे बढ़ते कंपाउंड माइक्रोस्कोप एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ये हमारे को यू दे दिया है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर यहाँ पे फोकल लेंथ दी हमें ऑब्जेक्टिव लेंस का इफ द आई पीस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट नियर पॉइंट नियर पॉइंट वही एस्टिमेट द मैग्फाइंग पार ऑफ द माइक्रोस्कोप चलिए पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमारे को कंपाउंड माइक्रोस्कोप पता है कौन सा होता है दो लेंस वाला होता है दो कॉन्वेक्स लेंस जिसमें पास पास हमारे पस एक आई पीस होता है और एक ऑब्जेक्टिव पीस होता है ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के यहां पे रखा जाता है लेफ्ट एंड साइड के और एक इमेज बनती है आई पीस के भी लेफ्ट एंड साइड पे इनवर्टेड इमेज ये तो आइए इसके एक डायग्राम बना के देख लेते हैं चलिए ये हम रे डायग्राम देखते हैं ये हमारे पास आई पीस का लेंस है ये डायग्राम देख लेते हैं ये हमारे पास आई पीस का लेंस हो गया ये ऑब्जेक्टिव पीस का लेंस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्टिव पीस है ये एक इमेज बनाएगा एक रे ले ली हमने जो सेंटर ऑफ करवेचर से पास होगी बिना डिवेट होकर आ गई दूसरी रे हमने ली ये वाली ये वाली पैरल टू द पैरल एक्सिस ये कन्वर्ज होगी फोकल पॉइंट पे यहाँ पे उसने एक फर्स्ट इमेज यहाँ पे ये बना ली अब ये जो फर्स्ट इमेज है ये एक्ट ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस इसके लिए हम डा, रेड्राम बनाते हैं ये देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली ये वाली ये पैरल टू द दैरल एक्सिस जो कन्वर्ज़ होगी पीछे की तरफ ये देखिए, ये ये कन्वर्ज़ हो रही है इस फोकल पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे इन दोनों रेज को अगर हम ट्रेस बैक करें तो फाइनल इमेज बन जाएगी हमारे पास ये ए डबल डैश बी डबल डैश ये है हमारी सेकेंड और फाइनल इमेज यहाँ पे हम देख लेते हैं ये हमारा अ, डिस्ट, यू दे रखा है ये रहा हमारा वी तो इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था रे डायग्राम बनाने का वो हो जाता है सॉल्व अब चलिए दूसरी तरफ मैग् दूसरे क्वेश्चन का पार्ट कर लेते हैं मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन हमारे को पता है होती है एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई अपॉन द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट आई तो हमारे को मैग्निफिकेशन मतलब tan बीटा अपॉन tan अल्फा निकालना है ठीक है तो यहां पे हम वैल्यूज देते हैं tan बीटा ये रहा बीटा हमारे पास इसको क्या होगा बी डैश ए डैश अपॉन यू ई टेन आल्फा ये रहा हमारे पास आल्फा ये क्या होगा हमारे पास बी ए अपॉन ये रहा टोटल लेंथ ये डी दे रखी है अपॉन डी तो इसको हम तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बी डैश ए डैश अपॉन बी ए इंटू डी अपॉन यू ई लिख लिया तो हमारे क्या बन जाते हैं मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव पीस इंटू मैग्निफिकेशन बाय द आई पीस इंटू यू ठीक है UE, जी अब वैल्यू निकालते हैं इसकी बी ए अपॉन बी डैश बी डैश ए डैश अपॉन बी ए तो ये क्या होगा दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव पीस इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश अपॉन बी ए हो जाएगा हमारे पास वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट चल देखते हैं ये कैसे आया चलिए देखते हैं हमने कैसे निकाला हमने इसमें दो ट्राइंगल्स कंसिडर करे हैं ये वाला और ये वाला फिर सिमिलर एंगल की सिमिलर एंगल की प्रॉपर्टी से हमारा एम नॉट आ गया वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट ये रहा ठीक है अब बात आती है एम ई के निकालने की एम ई का होगा हमारा डी अपॉन यू e, ये हो जाएगा हमारा वन प्लस डी अपॉन एफ ई ठीक है और यू मल्टीप्लीकेशन में तो था ही हमारे पास तो टोटल तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू तो माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इनटू टू वन प्लस डी अपॉन एफ ई ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया व्हेन द इमेज इज मेड एट नियर पॉइंट ठीक है चलिए अब इसका तीसरा पार्ट यानी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या, क्या क्या दे रखा है हमारे पास नॉट दे रखा है यू नॉट इजिक्वस टू माइनस वन पॉइंट फाइव हम साइन कन्वेंशन को ले के चलते हैं साथ में फोकल लेंथ दे रखे हैं हमारी वन पॉइंट टू फाइव सारी वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में ले रखी है ठीक है एफ फोकल लेंथ ऑफ आई पी दे रखी है हमारी फाइव और जो डिस्टेंटविजन है वो हमारे को पता ही वो पच्चीस होता है मैंने आपको बताया था नियर पॉइंट डिस्टेंटन जिसकी वैल्यू होती है ट्वेंटी फाइव अब हमारे को v नॉट की वैल्यू चाहिए v नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी फॉर्मूले से फॉर्मूला पुट करते हैं वन अपॉन एफ नॉट इज इक्वल्स टू वन अपॉन v नॉट माइनस वन अपॉन यू नॉट ये हमारे पास मेरा फॉर्मूला है इसमें हमने लिखा वन अपॉन वन पॉइंट टू फाइव इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी नॉट माइनस माइनस अपॉन ठीक है तो वन अपॉन वी नॉट हो जाता है हमारा ये अपॉन टू फाइव माइनस वी नॉट की वैल्यू आ जाती है हमारे पास सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इसको सबसे कर देते हैं मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को यह आ जाता है हमारे पास माइनस of 7.5 upon 1.5 into 1 plus 25 upon 5 ये हमारा बन जाता है minus 5 into 6 is equals to minus 30 ये रहा magnification का formula अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है ये माइनस साइन आपको लगा माइनस क्यों आ रहा है माइनस इसलिए क्योंकि जो हमारी इमेज है वो इनवर्टेड बन रही है ये देखिए ये इनवर्टेड इमेज बन रही है इसीलिए हमारी मैग्निफिकेशन की वाली माइनस आती है अगर इरेक्ट इमेज होती तो प्लस आती ठीक है थीके? हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया पूरा थैंक यू क्लास एक्स ट्वेल्व से लेकर नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल था दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर